अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल फैक्ट्री में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में वो स्टूडेंट्स जो कि अपने FSC या फिर ICS के रिजल्ट की इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, उन्हें दो रिजल्ट्स जिनमें रेगुलर रिजल्ट शीट और इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट दिखाई जाएगी और दिखाया जाएगा कि इम्प्रूवमेंट वाली रिजल्ट शीट रेगुलर रिजल्ट शीट से किस तरह मुख्तलिफ होती है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रेगुलर रिजल्ट शीट से डिफरेंट हैं, और आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट से मार्क्स बढ़ते हैं या फिर नहीं, और रिजल्ट की इम्प्रूवमेंट देना स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होता भी है या नहीं। लिहाजा वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखें। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो रिजल्ट शीट्स मौजूद हैं जिनमें लेफ्ट साइड पर इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट और राइट साइड पर रेगुलर रिजल्ट शीट दिखाई जा रही है। स्टूडेंट्स, इन दोनों रिजल्ट शीट्स में जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट शीट के ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कार्ड और रेगुलर रिजल्ट शीट के ऊपर एनुअल रिजल्ट कार्ड लिखा हुआ आएगा, और जिस साल में आपने पेपर्स दिए होंगे वो साल साथ लिखा हुआ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट शीट्स में 2018 लिखा हुआ आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, दूसरा फ़र्क जो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों रिजल्ट शीट्स में दिखाना चाहूँगा वो इन दोनों रिजल्ट शीट्स में मौजूद आपके रोल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, रेगुलर रिजल्ट शीट में आपको जो कॉलेज रोल नंबर अलॉट करता है, मतलब कि जो कॉलेज आपको रोल नंबर स्लिप देता है उसके अंदर जो रोल नंबर है वो आपका रिजल्ट शीट पर लिखा हुआ आएगा रेगुलर रिजल्ट शीट के ऊपर, जो कि एनुअल रिजल्ट शीट है, और इम्प्रूवमेंट वाली रिजल्ट शीट पर दूसरा रोल नंबर होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रोल नंबर जो आपका इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट पर लिखा हुआ आएगा, ये रोल नंबर इम्प्रूवमेंट के दौरान आपका BISC बोर्ड आपको अलॉट करेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब जो मैं आपको डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेजर डिफरेंस है दोनों रिजल्ट शीट्स के दरमियान। स्टूडेंट्स, तीसरा फ़र्क जो आपको इन दोनों रिजल्ट शीट्स में देखने को मिलेगा वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेगुलर रिजल्ट शीट पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन असगरमाल कॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन यानी जिस कॉलेज से स्टूडेंट ने FSC की थी वही इंस्टीट्यूशन नेम इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट के ऊपर नहीं लिखा हुआ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सिर्फ आपकी डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखा हुआ होगा, यानी जिस शहर जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए होंगे उसका नाम इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन की जगह पर लिखा जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, चौथी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों रिजल्ट शीट्स पर एक चीज़ हमेशा सेम रहेगी, और वो चीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों रिजल्ट शीट्स में रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप रेगुलर रिजल्ट शीट पे जो एनुअल रिजल्ट शीट पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एनुअल रिजल्ट शीट पर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम होगा, और जैसे कि आप दोबारा देखें कि इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट के ऊपर भी बिल्कुल वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दोनों रिजल्ट शीट्स की जो मेन पोर्शन है जहाँ पर जनरल मार्क्स वगैरह लिखा होता है कि इस बच्चे ने पास हुआ या फेल हुआ या इस बच्चे ने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए टोटल मार्क्स में से, उस साइड पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कि मेन चेंजेस क्या हैं। अच्छा, तो ये जो आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट शीट दिखाई जा रही है ये एनुअल रिजल्ट शीट है, और इसमें इस बच्चे ने 645 मार्क्स हासिल किए हैं 1100 में से, इसका ग्रेड सी है, और इसका जो जनरल मार्क्स है वो आप देखें क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैड पास्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसे अब इस बच्चे के जो यह है ये एनुअल रिजल्ट है, अब इस बच्चे ने इम्प्रूव करके जो इसका जो नई रिजल्ट शीट है इसके ऊपर आप देखें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर इस बच्चे ने 692 मार्क्स हासिल किए हैं 1100 में से, और इसका जो ग्रेड है वो सी से बढ़कर बी हो गया है, और इसके जनरल रिमार्क्स पर थोड़ी नज़र डालें, ये लिखा हुआ है द कैंडिडेट हैज़ इम्प्रूव द रिजल्ट प्रीवियस ईयर 2018 SS रोल नंबर दिस एंड ग्रैंड टोटल एनुअल ग्रैंड टोटल 645, मतलब कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट रिजल्ट शीट में उन्होंने एनुअल रिजल्ट शीट थी जो उसकी उसका पूरा डाटा यहाँ पर उसका पूरा रेफरेंस यहाँ पे डाला है कि इस बच्चे ने मार्क्स को इम्प्रूव किया है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि द कैंडिडेट हैड पास्ड। ये तो हो गए डिफ्रेंसेज। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की इम्पोर्टेंस की। देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का आसान तरीन तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने मार्क्स की परसेंटेज बढ़ा सकते हैं अगर आप इम्प्रूवमेंट की अच्छे तरीके से तैयारी करें। स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट शीट्स मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई ये रावलपिंडी में रहने वाले एक तालिबे इल्म की रिजल्ट शीट्स थी। स्टूडेंट्स, उसने एनुअल रिजल्ट में 645 मार्क्स हासिल किए थे जिसकी परसेंटेज 58 बनती थी। उसने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के साथ दो सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट दी और अब उसके मार्क्स 692 यानी कि 62% हो गए हैं। मीन्स इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू इंक्रीज योर मार्क्स, और इवन आपको इम्प्रूवमेंट की तैयारी के लिए
रिजल्ट के बाद 40 दिन का वक्त भी दिया जाता है। मैं दोबारा कहूँगा, इम्प्रूवमेंट इज़ बेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप FSC ICS इम्प्रूवमेंट के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, आप इस वीडियो को लाजमी देखें। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक लाजमी करें, मेरे चैनल इनक्रेडिबल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लाऊं वो आप तक इजीली पहुंच जाएं। और स्टूडेंट्स, मैं हमेशा इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं, इस वजह से आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपने गिर्दोनवा और अपना ख़ास ख़ास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।